नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के दो विभाग में 175 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही काम की वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी ही काम की वीडियो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और इस विज्ञापन से संबंधित या फिर भर्ती से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। पहला विज्ञापन जारी किया काले जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर 173 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 200 जिले के 14 स्कूलों में भर्ती किया जाएगा विभिन्न पदों पर। आप लोग यहां पर स्कूल का नाम पढ़ सकते हो, विस्तार पूर्वक बताया गया है कौन से स्कूल में भर्ती किया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे काले जिला शिक्षा अधिकारी टैगोर नगर चौक पेंशन बाड़ा रायपुर के पते पर दिनांक 27 जुलाई 2022 5 बजे तक स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों इसी के नीचे आप लोग यहां देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट का यहां लिंक भी दिया गया है, आप लोग यहां पर जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन भी डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन से स्कूलों में कितने कितने पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया और कौन कौन सा पदों पर। पहला स्कूल का नाम आप लोग यहां पढ़ सकते हो, सेजस अडवाणी आलिकन बिरगांव रायपुर हिंदी माध्यम के स्कूल में प्राचार्य के एक पद पर भर्ती किया जाएगा, व्याख्याता के 4 पद, प्रधान पाठक के 1 पद, शिक्षक के टोटल 7 पद पर भर्ती किया जाएगा, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला ग्रंथपाल के 1-1 पद पर भर्ती किया जाएगा, वृत्ति के टोटल 3 पद पर भर्ती किया जाना है और चौकीदार के 1 पद पर भर्ती किया जाना है। इस प्रकार यहां के स्कूल में टोटल 19 पद पर भर्ती किया जाएगा। सेजस लालपुर रायपुर में हिंदी माध्यम के स्कूल में प्राचार्य सहायक शिक्षक प्रयोगशाला ग्रंथपाल के 1-1 पद पर भर्ती किया जाएगा, वृत्ति के टोटल 3 पद पर भर्ती किया जाएगा और चौकीदार के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ के स्कूल में टोटल 7 पद पर भर्ती किया जाना है। सेजस पीजी उमाठे शांति नगर रायपुर में हिंदी माध्यम के स्कूल में प्राचार्य के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा, और इसके लिए दोस्तों जो प्राचार्य के लिए भर्ती किया जा रहा है उसके लिए माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी, व्याख्याता और शिक्षक के टोटल 4-4 पद पर भर्ती किया जाएगा, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, ग्रंथपाल के 1 पद, वृत्ति के 2 पद और चौकीदार के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ के स्कूल में टोटल 15 पद पर भर्ती किया जाना है। सेजस मुहाबा बाजार रायपुर हिंदी माध्यम के स्कूल में प्राचार्य के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला जीव विज्ञान और भौतिकी के टोटल 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, वृत्ति के 3 पद और चौकीदार के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार सेजस तिलक नगर गुड़ियारी रायपुर में हिंदी माध्यम के स्कूल में प्राचार्य के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा, व्याख्याता इतिहास हिंदी रसायन भूगोल के 1-1 पद पर भर्ती किया जाएगा, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए 1 पद, शिक्षक हिंदी संस्कृत अंग्रेजी विज्ञान कला के टोटल 6 पद पर भर्ती किया जाएगा, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 2 पद, ग्रंथपाल लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के 1-1 पद पर भर्ती किया जाएगा, भृत्य के 2 पद और चौकीदार के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ के स्कूल में टोटल 19 पद पर भर्ती किया जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बातें मैं आप लोगों को इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे, आप लोगों से आवेदन करते समय आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। सेजस निवेदिता रायपुर हिंदी माध्यम के स्कूल में प्राचार्य के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा, व्याख्याता के 7 पद, कंप्यूटर शिक्षक के 1 पद, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला जीव विज्ञान भौतिकी के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, ग्रंथपाल लेखापाल सहायक ग्रेड 2 सहायक ग्रेड 3 के 1-1 पद पर भर्ती किया जाएगा, इसी प्रकार भृत्य के 2 पद और चौकीदार के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा। सरोना रायपुर हिंदी माध्यम के स्कूल में, यहाँ के भी स्कूल में दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हो प्राचार्य के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा, माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी माध्यम, व्याख्याता के 4 पद, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 2 पद पर, ग्रंथपाल और सहायक ग्रेड 3 के 1-1 पद पर भर्ती किया जाएगा, भृत्य के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ के स्कूल में टोटल 11 पद पर भर्ती किया जाएगा।
सेजा सारागांव हिंदी माध्यम के स्कूल में प्राचार्य व्याख्याता प्रधान पाठक माध्यमिक शाला शिक्षक प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। सहायक शिक्षक के 4 पद, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला ग्रंथपाल लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार भृत्य के टोटल 5 पद पर भर्ती किया जाएगा और चौकीदार के 1 पद पर भर्ती किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ के स्कूल में टोटल 18 पदों पर भर्ती किया जाएगा। सेजसपुरा हिंदी माध्यम के स्कूल में व्याख्याता के टोटल 3 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार सेजस नेवेरा तिल्दा हिंदी माध्यम के स्कूल में व्याख्याता भौतिकी रसायन और सामाजिक विज्ञान के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। दोस्तों जो भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूं, ये प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दूसरा विज्ञापन जारी किया गया छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला सरगुजा के अंबिकापुर में क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों आप लोग यहां पर पढ़ सकते हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए आप लोग 30 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं और इन पदों के लिए केवल जो नियुक्ति किया जाएगा वो 9 माह के लिए किया जाएगा। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री जेआर नांगवंशी ने बताया कि विज्ञापित पदों के लिए 30 जुलाई 2022 शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करने के पश्चात आवेदकों को सूचित किया जाएगा, जिसकी तिथि 10 अगस्त होगी। आवेदकों को साक्षात्कार 20 अगस्त को लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को जो पुराना वाला विज्ञापन है वो भी दिखा देता हूँ, जो विभाग की ओर से जारी किया गया था। उसमें डिटेल से बताया गया है कि न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए, आयु क्या मांगा गया है, किस प्रकार से आप लोग आवेदन कर सकते हो। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये पुराना वाला विज्ञापन है। इसी प्रकार से ही अभी जो भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिला परियोजना समन्वयक और क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर के लिए अभी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसके लिए जो प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 15,000 रुपए दिया जाएगा। और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होनी चाहिए। इसी के साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी मांगा गया है। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए जो अधिकतम आयु है 1 जनवरी 2022 की तिथि में 40 वर्ष रखा गया है। और दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो, जो आवेदन पत्र का प्रारूप है इस विज्ञापन में अटैच है, इसे डाउनलोड कर लेना है और आप लोगों को भर लेना है। और जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट है इस आवेदन पत्र के साथ में अटैच कर देना है, संलग्न कर देना है। और या तो आप लोग स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकते हो, या फिर आप लोगों को स्वयं कार्यालय में जाके आवेदन पत्र को जमा करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों विज्ञापनों का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ सकते हो। और इन विज्ञापनों से संबंधित अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।